बाद बाढ़ बारिश के कर लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रिहायशी इलाके पानी में डूबने लगे हैं। विरार में कॉलोनी में नाव चलने लगी है। महाराष्ट्र में आसमान से बरस रही आफत के आगे हर कोई बेबस और लाचार नजर आ रहा है। वसई और विरार से आई इन तस्वीरों को देखिए, पूरी कॉलोनी पानी में डूब चुकी है। जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां चलती थी, अब वहां नाव चल रही है। लोग बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग नाव से बाढ़ की सैर करने से बाज नहीं आ रहे। बताया जा रहा है कि ये नाव लोगों को मुश्किल से निकालने के लिए नहीं निकली है, बल्कि बोलिंस रानपाड़ा इलाके में एक परिवार बच्चों को नाव से बाढ़ की त्रासदी दिखाने के लिए निकल पड़ा है। वसई विरार इलाके में चार दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। ऐसी कोई भी सड़क नहीं बची है जो पानी में ना डूबी हो। महाराष्ट्र के कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पालघर, ठाणे, रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी, सतारा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर में रेड अलर्ट है, जबकि नासिक जिले के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लिहाजा लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए, महाराष्ट्र के बाद बात करते हैं गुजरात की, जहां कई जिलों में भारी बारिश कहर बनकर टूटी है। हर तरफ तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। भारी बारिश से कच्छ में बुरा हाल है। आसमान से बरस रही आफत के आगे बेबस हुआ इंसान। सड़कों पर आया सैलाब, पानी में बहने लगी गाड़ियां, हर तरफ मचा हाहाकार। मुश्किल में पड़ी लोगों की जान। भारी बारिश कहर बनकर टूट रही है। बारिश से बदहाली की ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ की हैं। गली मोहल्ले और सड़कें पानी से लबालब है। पानी का बहाव इतना तेज है कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, सड़क पर पानी भरा है और उसके बीच बड़ी संख्या में मौजूद लोग अपनी अपनी बाइक संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ युवाओं ने अपनी बाइक सड़क किनारे खड़ी कर दी है और दूसरों की मदद में जुट गए। अब इस तस्वीर को देखिए, पूरी बाइक पानी में डूबी हुई है। उसके बगल में एक युवक खड़ा है और मदद के लिए इधर उधर देख रहा है। उसको चिंता है कि कहीं उसकी बाइक पानी में न बह जाए। तभी अचानक तेज बहाव के बीच एक बाइक पानी में बहने लगी। कुछ लोग सड़क किनारे फुटपाथ पर खड़े होकर बाढ़ से बर्बादी का मंजर देखते रहे, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से बाइक पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सके। इसके आगे जो हुआ वो आप खुद देखिए। बाइक, स्कूटी, साइकिल, सब कुछ पानी में बहने लगे। आप बस गिनती करते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, न जाने ऐसी कितनी बाइक पानी में बह गई। कुछ लोग इस सैलाब में हिम्मत कर अपनी बाइक बचाने के लिए जूझते दिखे। हर किसी की बाइक पानी में बहने लगी। सड़क किनारे खड़े लोगों ने पकड़ने की कोशिश की। कुछ लोग कामयाब भी हो गए। कुछ लोग तो पानी के बहाव के साथ साथ तैरकर अपनी बाइक पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन इनकी ये कोशिश जान पर भारी पड़ सकती है। लिहाजा ऐसे हालात में सैलाब से दूर रहना ही ठीक है। गुरुवार को भारी बारिश से कच्छ और मांडवी और मस्का इलाके में ऐसे ही मंजर देखने को मिले। इन तस्वीरों को देखिए, सड़क पर पानी भरा है और वहां कहीं गाड़ी और ट्रैक्टर पूरी तरह पानी में डूब गए। कुछ लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मौसम विभाग ने दक्षिण और मध्य गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है। तो गुजरात का हाल आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं कि कल दिन भर कैसे महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक अलग अलग इलाकों में बारिश और लैंडस्लाइड से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उफनती ब्यास नदी, उसके दोनों किनारों पर डाली गई एक रस्सी और रस्सी के सहारे शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन।
ये हैरत अंगेज तस्वीर है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की, जहां मनाली हाईवे पर हनुमान मंदिर के पास एक कार ब्यास नदी में गिर गई। आईटीबीपी के जवानों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन ब्यास नदी का प्रवाह इतना तेज था कि रेस्क्यू में बहुत दिक्कतें आईं। देखिए, आईटीबीपी का जवान लापता लोगों की तलाश में उफनती नदी में ही कूद गया। रस्सी के सहारे लटककर ये आईटीबीपी जवान नदी के बीचों बीच बड़े पत्थर के सहारे फंसी कार तक पहुंचा, लेकिन कार के भीतर कोई नहीं मिला। ये नाला सोपारा की तस्वीरें हैं, जहां गलियों में, बाजारों में, सड़कों पर और दुकानों में भी पानी घुस गया। दुकानों के अंदर घुटने तक पानी घुस गया। रात भर हुई मूसलाधार बारिश से पूरा इलाका तालाब बन गया। मुंबई के अंधेरी सबवे में इतना पानी भर गया कि उसे यातायात के लिए बंद करना पड़ा। एक तरफ मूसलाधार बारिश और उसके बीच जिंदगी की जंग, और फिर वो हुआ जो इस तस्वीर में दिख रहा है। एक टेम्पो चालक टेम्पो से नियंत्रण खो बैठा और डिवाइडर से जा टकराया। टेम्पो चालक की मौके पर मौत हो गई। भारी बारिश ने कर्नाटक के मंगलुरु में 3 मजदूरों की जिंदगी छीन ली। पंजीकल्लू में इतना भीषण भूस्खलन हुआ कि एक घर में सोए हुए 3 मजदूर मलबे में दब गए। भूस्खलन के नीचे गाड़ी भी दबी, बाइक भी दबी और घर में मलबा घुस गया। पूरा का पूरा ये जो घर है वो डैमेज हो चुका है, और दुखद बात ये कि इस लैंडस्लाइड के दौरान जो है यहाँ पर 4 लेबर्स भी मौजूद थे। वो लेबर्स इसी शेड पे मौजूद थे जब ये लैंडस्लाइड हुआ, उसमें 3 लेबर्स की मौत हो गई। मानसून की बारिश ने किस कदर कहर बरपाया है, इसे इस तस्वीर से समझा जा सकता है। बेंगलुरु एयरपोर्ट के नजदीक सड़क का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया है। सड़क धस गई और आना जाना बंद हो गया। बेंगलुरु एयरपोर्ट के ठीक नजदीक आदियमपाड़ी कईकम्बा का ये रोड है, और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से रोड जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और एक बड़ा हिस्सा जो है वो वॉश आउट हो चुका है। बारिश के मौसम में चिकमंगलूर में तो ऐसा हादसा हुआ जिससे सभी हैरान हैं। बारिश और तेज हवा की वजह से एक पेड़ यहाँ सड़क पर चलती कार के ऊपर गिर गया। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। बाढ़ और बारिश ने कर्नाटक में बहुत मुसीबत बढ़ा दी है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ इलाके में भारी बारिश के बाद गंगावली नदी में बाढ़ आ गई। गंगावली नदी के उफान के बीच 5 युवक फंस गए। गनीमत ये रही कि समय रहते रेस्क्यू के लिए टीम पहुंची और इन लोगों की जान बचा ली गई। इस बार की बारिश कर्नाटक पर बहुत भारी पड़ रही है। उत्तर कन्नड़ इलाके में कुमटा में कई जगह पेड़ गिर गए, जिसके बाद रास्ता बंद होने से लंबा जाम लग गया। यूपी में भी मानसूनी बारिश उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आई है जिनके नदी किनारे घर या खेत हैं। बाराबंकी में तो घाघरा नदी इस कदर उफान पर है कि लगातार अपने किनारों को काटती जा रही है। देखिए, कर्नाटक में 3 जिलों में मौसम का रेड अलर्ट है। भारी बारिश की वजह से उडुपी जिले के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमों को भी लगाया गया है। सब कुछ डूबा डूबा नजर आ रहा है। सड़कें, घर और बागान सब कुछ पानी में डूब गए हैं। पानी का बहाव इतना तेज है मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा हो। तस्वीरें कर्नाटक के उडुपी जिले की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। तटीय इलाकों में लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, लोगों के घरों के आगे जैसे नदी बह रही है। मकान के निचली मंजिल में पानी घुसने लगा है और लोग बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। हर कोई राहत और बचाव की उम्मीद में अपने घर के सामने खड़ा है। बच्चे हों या महिलाएं, सभी के सामने खाने पीने का संकट खड़ा होने लगा है। इस तस्वीर को देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी है और बीच में बेजुबान फंसे हैं, लेकिन उनको पालने वाला बेबस और लाचार है। पानी इतना ज्यादा है कि वो चाहकर भी उनके लिए चारे का इंतजाम नहीं कर सकता। बस इंतजार है तो पानी उतरने का।
उडुपी जिले में मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। ऐसे में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमों को उतार दिया गया है। एनडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकाने पर ले जा रहे हैं। वहीं कर्नाटक के हसन इलाके में भी तूफानी बारिश कहर बनकर टूटी है। जगह जगह पेड़ गिर गए हैं तो वहीं कुछ इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है।